अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कई महीनों से हमारे चैनल पे बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किए थे कि वो मैसूर पैलेस को देखना चाहते हैं और उसकी हिस्ट्री को भी जानना चाहते हैं। तो बस क्या था, आज मैंने ट्रेन पकड़ी और श्रीरंगापट्टनम होते हुए मैसूर पहुंच गया। दोस्तों, मैसूर पैलेस के एंट्रेंस के बाहर आपको यहाँ बहुत सारी शो पीसेस की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको लकड़ी, पत्थर के बने हुए छोटे छोटे कैनन्स और खिलौने वगैरह मिलते हैं। दोस्तों, मैसूर पैलेस के अंदर जाने के लिए यहाँ गेट के पास आपको टिकट लेनी पड़ती है, जो कि 100 रुपये है। और अगर आपको गाइड सर्विसेज चाहिए तो आपको मेन गेट के अंदर ऑथराइज्ड गाइड्स मिल जाएंगे। और ये है जी मैसूर पैलेस का साइड व्यू। दोस्तों, मैसूर पैलेस का असल नाम अंबा विलास पैलेस है और इसकी कंस्ट्रक्शन 1897 में शुरू हुई थी और लगभग 15 साल के बाद यानी कि 1912 में कंप्लीट हुई थी। इस पैलेस के चीफ आर्किटेक्ट थे हेनरी इरविन और इसके सिविल इंजीनियर थे रघुवलु नायडू। दोस्तों, इस पैलेस को बनाने से पहले यहाँ पर एक और लकड़ी का पैलेस हुआ करता था, जो कहा जाता है कि 1896 में जल गया था और उस पुराने मैसूर पैलेस के मॉडल को अंदर रखा गया है। चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं और सारी चीजों को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पैलेस के अंदर एंटर होते हुए आपको राइट हैंड साइड के पास बहुत सारी तोपों को खड़ा हुआ देखोगे। ये सारी ओरिजिनल कैनन्स हैं, जिनको दशहरा के टाइम पे सलामी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फायर किया जाता है। और ये देखिए, ये है वो पुराने मैसूर पैलेस का मॉडल जो 1896 में जल गया था। दोस्तों, इस मॉडल के बिल्कुल बगल में आप बहुत सारी मूर्तियों को रखा हुआ देखोगे। और दोस्तों, इस लंबे से कॉरिडोर के लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे आपको टैक्सीडर्मी की हुई दो हाथियों के सरों को देखोगे। कहा जाता है कि 1955 के आसपास ये हाथी बंडीपुर और इसके आसपास के इलाकों में लोगों को बहुत परेशान किया करते थे और जानो माल का नुकसान पहुँचाते थे, और इसीलिए महाराजा ने इनका शिकार किया था और इनको यहाँ पर टैक्सीडर्मी या फिर इनको एक स्टैचू की तरह बनाकर यहाँ पर लगा दिया गया। दोस्तों, यहाँ पैलेस के अंदर जाते हुए एक और आपको गेट दिखेगा और इस गेट के ऊपर लिखा है सत्यमेव दुराम्यहम, यानी कि मैं हमेशा सच का साथ दूंगा। और इस गेट से होते हुए जब आप अंदर दाखिल होते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की दीवारों के ऊपर बेहद बारीकी से 3D पेंटिंग को बनाया गया है, उन पेंटिंग्स को आप देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप गौर से इन पेंटिंग्स को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पेंटिंग्स आपको ही देख रही हैं, और साथ ही साथ जैसे जैसे आप मूव करोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये पेंटिंग्स भी मूव हो रही हैं। और दोस्तों, अब मैं आया हूँ ऑक्टागोनल शेप में बने हुए सेरेमोनियल हॉल में। आप ये जो यहाँ पर पिल्लर्स देख रहे हो, ये कैस्ट आयरन पिल्लर्स हैं जिनको स्कॉटलैंड से यहाँ पर लाया गया था। और यहाँ बीच में ये जो बड़ा सा झूमर को लगाया गया है, कहा जाता है कि ये चेक रिपब्लिक से लाया गया था। दोस्तों, आप जब इस पैलेस के कॉरिडोर से होते हुए और अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक गैलरी मिलेगी जहाँ पर महाराजा और उनकी फैमिली वालों की फोटोज और पेंटिंग्स को बनाकर लगाया गया है। और ये हैं जी महाराज कृष्णराज वडेयर, और ये पेंटिंग है क्वीन अलेक्जेंड्रा की, और इस तरफ किंग एडवर्ड की भी पेंटिंग लगाई गई है। दोस्तों, ये जो आप यहाँ पर बॉक्सेस को देख रहे हो, ये सेरेमोनियल बॉक्सेस हैं जिनके अंदर शादी या फिर किसी खास मौके के ऊपर इनवाइट करने के लिए पैगाम वगैरह भिजवाया जाते थे। और आप ये जो यहाँ पर छोटी सी एक स्टूल को देख रहे हो, ये बहुत खास स्टूल है क्योंकि इसके जो लेग्स हैं वो असली बाइसन के लेग्स हैं। और दोस्तों, यहाँ बाहर की दीवारों पे आपको बहुत सारी सेरेमोनियल पेंटिंग्स नजर आएंगी जो उस जमाने में ही बनाई गई थी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं।
और ये है जी पुराने जमाने की लिफ्ट जो अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। और यहाँ आप जब अंदर कमरे में जाते हो तो इस कमरे में आपको चांदी की रखी हुई खास चेयरों को देख पाओगे। दोस्तों इन खास चांदी की चेयरों को कुछ खास चुनिंदे डिग्निट्रीज वगैरह को बिठाने के लिए यूज किया जाता था। और यहाँ इस रूम की सीलिंग पूरी तरह से टीकूट से बनाई गई है और बेहद खूबसूरत अंदाज में इसको कार्व किया गया है। और दोस्तों मैसूर पैलेस की यह है सबसे खास अट्रैक्शन गोल्ड अंबारी, जिसको कन्नड़ा में चिन्नदा अंबारी कहा जाता है। दोस्तों इस अंबारी के अंदर ही दशहरा के दौरान श्री चामुंडी देवी को रखा जाता है और फिर हाथी के ऊपर सवारी की जाती है। इस अंबारी का वजन लगभग 750 किलो कहा जाता है और इसके अंदर लगभग 80 केजी से भी ज्यादा सोना लगा है। और दोस्तों अब चलिए मैसूर पैलेस की एक और खास अट्रैक्शन वाली जगह पे चलते हैं। वो है ये पिल्लर का हॉल, जिसमें बेहद खूबसूरत अंदाज में पिल्लर्स को पेंट करके बनाया गया है। और दोस्तों ये है व्यूइंग गैलरी, और यहाँ पर रॉयल फैमिली एक तरफ बैठती थी और दूसरी तरफ मंत्री और दूसरे डिग्निटरीज वगैरह को बिठाया जाता था। दोस्तों इन पिल्लर्स और सीलिंग को इतना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है कि आपको यहाँ पर सामने आकर देखने से ही पता चलेगा। अब चलिए जी हम चलते हैं एक और दरबार हॉल की तरफ, जो कहा जाता है कि दीवाने खास था। यह है जी दीवाने खास, यानी के प्राइवेट दरबार हॉल। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है वो मेन खास चांदी का डोर, जहां से महाराज अंदर आया करते थे। और चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ। दोस्तों यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको हाथियों को डेकोरेट करने का ऑर्नामेंट्स को रखा हुआ देखोगे। इन ऑर्नामेंट्स को दशहरा के टाइम पे हाथियों के ऊपर सजाया जाता है, जो देखने से कुछ इस तरह से लगते हैं। और दोस्तों आखिर में इस मैसूर पैलेस को रात को पब्लिक हॉलीडेज के दौरान बल्ब से पूरी तरह से चमकाया जाता है, जिसको देखने का नज़ारा कुछ इस तरह से होता है, जो बेहद खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों ये था मैसूर पैलेस का एक ब्रीफ टूर, और आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज।